हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरशफट हाई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास टू के मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर सब्ट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन के जरिए है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 9 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो बहुत ही ईजी तरीका है। देखो हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है ना, तो 0 से हमें क्या कहाँ जाना है? 9 के पास जाना है, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट करेंगे इस तरह से और कहाँ जाएंगे? 9 के पास, क्योंकि सबसे पहला नंबर यहाँ 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए हम लोग 0 से चलेंगे कहाँ पर? 9 के पास। उसके बाद किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 2 को। तो दो लाइन हम लोग पीछे चलेंगे, देखो दो यूनिट पीछे चलेंगे। पहला यूनिट ये वाला हिस्सा और दूसरा यूनिट ये वाला हिस्सा। तो यहाँ से उठ करके यहाँ चलाना है। तो दो हिस्सा को हम लोग छोड़ते हुए चले हैं, कहाँ पे चले हैं? 7 पे। दैट मीन्स 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन 11 माइनस 4। 11 को 4 से सब्ट्रैक्ट करना विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। यहाँ पर भी वैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे? 11। 11 है लिखा हुआ, तो 0 से पहले 11 की तरफ चलते हैं। तो 0 से इस तरफ 11 की तरफ हम लोग चले हैं। अब उसमें से क्या करना है? 4 को माइनस करना है। तो देखो चार प्लेस खाली करो, 1 2 3 4, ठीक है ना। मतलब यहाँ से उठ करके वापस यहाँ चले आना है, चार हिस्सा को छोड़ते हुए। तो हम लोग कहाँ पे चले हैं? 7 पे चले हैं। मतलब 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चों, इसमें सब्ट्रैक्शन, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ 468 को सब्ट्रैक्ट किससे करना है? 357 से। देखो हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8 में से 7 को है जो घटाना है, तो यहाँ सबसे पहले 8 लिखा हुआ है, तो पहले 8 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हम लोग खींच दिए। उसमें से कितना घटाना है? 7 को घटाना है, तो 7 लाइन को काट दो, 1 2 3 4 5 6 7। कितना लाइन बच गया? 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद किसको घटाना है? 6 में से 5 को। तो सब पहले 6 लाइन ले लो, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन ले लिया। उसमें से किसको घटाना है? 5 को, तो 5 को लाइन काट दो, 1 2 3 4 5, फाइव लाइन काट दिया, तो कितने लाइन बचेगा? 1, तो यहाँ 1 लिख देना है। उसके बाद फिर से है 4 माइनस 3, 4 में से 3 को घटाना है, तो पहले 4 है तो 4 ठो लाइन खींच लो, 1 2 3 4। उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 3 ठो लाइन काट दो, 1 2 3, 3 लाइन काट दिया, तो सिर्फ कितना बच गया? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दें। ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ 624 को घटाना है 213 से, तो पहले 4 से 3 को घटाते हैं। पहले 4 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 4, उसमें से 3 को घटाना, तो 3 को लाइन काट देना, 1 2 3, 3 लाइंस को मैंने कट कर दिया, तो कितना बच गया? 1, तो हम 1 लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ 2 माइनस 1, तो पहले 2 लाइन खींच लो, उसमें से 1 लाइन को हटा देना है, तो 1 हटा दे तो कितना लाइन बच जाएगा? 1, तो हम 1 लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ 6 माइनस 2, तो पहले 6 है तो पहले 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इससे से 2 लाइंस को हटा देना है, तो 1 और 2 लाइंस को हटा दिए, तो कितने लाइन बच गए? 1 2 3 4, 4 लाइन बच गए, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैरी ऑन वाला है, मतलब इसमें हासिल लेना है, कैरी लेना है। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो 66 में से 39 को घटाना है, तो सबसे पहले हम लोग 6 देख पा रहे हैं और उसके नीचे 9 लिखा हुआ है। तो 6 क्या होता है? छोटा नंबर होता है, और 9 क्या है? बड़ा नंबर है, तो छोटे से कभी बड़ा घटता नहीं है, इसीलिए
ये जो 6 है इसको हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, मतलब बड़ा नंबर बनाएंगे। तो बड़ा नंबर कैसे बनाते हैं, देखो ये इसके बगल वाला नंबर क्या है, 6। 6 में से क्या कर लेना, एक कैरी ले लेना है। एक कैरी लेने से ये क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, है ना। 6 में से एक कैरी ले ली तो क्या बन जाएगा, 16। और 16 में से 9 सबट्रैक्ट करते हैं, 16 में से 9 सबट्रैक्ट करना, तो पहले 16 लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर इसके बाद 13 14 15 16 लाइन ड्रॉ कर लिया, उसमें से 9 को सबट्रैक्ट करना, मतलब 9 थ्रू लाइन को काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 कितने लाइन बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच गए, तो यहाँ 7 लिख देंगे। तो यहाँ से 6 में से एक कैरी ले लिया था, 6 में से एक कैरी लेने के बाद 6 में से एक कम हो जाएगा, मतलब 6 में से एक कम कर दे तो 6 में से एक घटाने पर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, मतलब 5 में से क्या करना होगा, 3 को घटाना होगा। तो पहले 5 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, उससे से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब 3 9 को काट दो, 1 2 3, कितना बच गया, 1 और 2 3, ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस वजह से 3 से 4 को घटा नहीं सकते, क्योंकि 3 क्या है, बड़ा छोटा नंबर है, और 4 क्या है, बड़ा नंबर है, तो छोटे से कभी बड़ा घटते नहीं, इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 8 से एक कैरी ले लेंगे, एक हासिल ले लेंगे, तो 8 से एक हासिल ले लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। तो 13 में से किसको घटाना पड़ेगा, 4 को, तो पहले 13 लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 13, उसमें से किसको सबट्रैक्ट करना है, 4 को, तो 13 में से 4 को सबट्रैक्ट करते हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन कर दिए, तो कितने लाइन बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9, 9 लाइन बच गए, तो 9 ही लिख देते हैं। तो 8 में से 1 कैरी ले लिए थे, तो 8 में से 1 घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7, तो 7 में से 6 घटाएंगे, तो 7 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 7 लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, उसमें से 6 को घटा देना, तो 6 लाइन को काट दो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना लाइन बच गया, वन लिख देंगे, हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बच्चों एक क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें लिखा हुआ है, देयर आर 860 कार्ड्स इन अ शॉप, 218 कार्ड्स आर सोल्ड, हाउ मेनी कार्ड्स आर लेफ्ट। देखो बोल रहा है कि एक दुकान में 816 पतंग थे, उसमें से 218 पतंग को बेच दिया गया, तो कितने पतंग और बच गए। बच्चों मान लेते हैं कि आप बाज़ार जाते हो 10 रुपये लेकर के, और उस 10 रुपये में से 7 रुपये का आप चॉकलेट खरीद लेते हो, तो कितने रुपए बच जाएगा आपके पास। तो 10 रुपये आप ले करके गए और 7 रुपये का चॉकलेट खरीद लिया, आप दुकानदार को अगर 10 रुपये देंगे तो 7 चॉकलेट का 7 रुपये काट करके वो कितना रुपये वापस करेगा, 3 रुपया। उसी तरह दुकान में 816 पतंग थे, उसमें से 218 पतंग बिक गए, तो कितना पतंग और बच गया, इसमें से भी क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक करेंगे, किसको किससे सब्ट्रैक करेंगे, तो 816 को 218 से, क्योंकि 816 क्या है, बड़ा है, और 218 क्या है, छोटा है। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट कितना बचा हुआ है, तो देख पा रहे हैं 816 में से किसको घटा देंगे, 218 को, तो देख पा रहे हैं 6 में से 8 कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसके लिए क्या करेगा, यहाँ से ये कैरी ले लेगा, तो कैरी लेने पर क्या बन जाएगा, 16, 16 में से 8 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 8। अब ये 1 यहाँ चल जा चुका है, तो ये पूरा पूरा 0 बन गया, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 9। और ये क्या बन जाएगा, 7। 7 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, मतलब 598 कार्ड्स जो है वो बच चुके हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू, बोल रहा है कि 558 में कितना ऐड करें कि 908 आ जाए, 900 आ जाए, 458 में कितना जोड़ें कि 900 आ जाए। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी जोड़ने वाली बात हो रही है। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में जहां एडेड की बात होती हो तो सीधे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ 900 को किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 900 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसके साथ, 458 के साथ। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, 9 और 4। ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं।